दोस्तों अक्सर आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं तो आप बात करने के साथ साथ जो है अपना इंटरनेट नहीं चला पाते हैं। या तो आप फ़ोन पे ही बात कर सकते हैं या आपको फ़ोन कट करके आप तभी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप दोनों चीज़ को एक साथ यूज कर सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो में। तो दोस्तों अपने बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हम सफ़र टैग में। और दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को थोड़ा पीछे का व्यू बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी अपने गांव में आया हुआ हूँ, आपको पता होगा जैसा कि लॉकडाउन हो रखा है कोरोना वायरस के चक्कर से, तो मैं अभी बाहर शूट कर रहा हूँ। मेरे बैक साइड जो है मेरे घर का बैक साइड है, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए हम डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन पर चलते हैं, आपको बता देते हैं कैसे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। गाइस जैसे आप सेटिंग्स को ओपन करते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे जाना है, और हो सकता है आपका ऑप्शंस इस कंडीशन में आपके मोबाइल पर कुछ और शो करे, क्योंकि हर एक ब्रांड में यानी कि अलग अलग कंपनी के ब्रांड के फ़ोन्स की सेटिंग वहाँ पर अपने हिसाब से होती है। तो आप यहां पर जरूर चेक कर लें, हो सकता है सिम कार्ड लिखा हुआ आए, हो सकता है मोबाइल नेटवर्क आए, तो आपको वहां पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने आपके सिम कार्ड आ जाएंगे। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पे फ़िलहाल एक सिम कार्ड में यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सिम वन दिखा रहा है। अगर गाइस आप दो सिम कार्ड कर रहे हैं यूज़, तो आपको सबसे पहले वही सिम कार्ड यूज़ करना है जिसमें आप चाहते हो कि आप कॉलिंग के साथ साथ में इंटरनेट भी यूज़ कर पाएँ, तो आप डायरेक्टली उस सिम कार्ड के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने बहुत सारे चीज़ें नज़र आएंगी, ऑप्शंस, और आपको यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम यहाँ पर जो है दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। बट गाइस हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन में ये APN सेटिंग यहाँ पर आए या फिर कुछ और लिखा हुआ आए, बिकॉज गाइस अभी मैं MI का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, रेडमी का, और यहाँ पर हो सकता है आप अलग अलग कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हों, तो आपकी कंडीशन में यहाँ पर ऑप्शंस कुछ और आ सकता है, आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको सिंपली इसके ऊपर एक्सेस पॉइंट नेम के ऊपर क्लिक करना है। और गाइस जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो है APN की यहाँ पे इस तरीके से नेम आ जाएगा, और यहाँ पर जो ब्लू टिक होगा यहाँ पे हो सकता है आपके दो तीन चीज़ें यहाँ पर आए, बट गाइस आपका जो ब्लू टिक होगा जिसके ऊपर ब्लू टिक होगा आपको उसी के ऊपर इस तरीके से साइड मर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने सेटिंग्स खुल के आ जाएगी। अब गाइस आपको नीचे आना है यहाँ पे, और आपको सबसे यहाँ पे लास्ट में नीचे आना है, और यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है बेयरर का, आपको यहां पर क्लिक करना है। सिंपली जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहां पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। अब गाइस यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे ये वाला ऑप्शन आपको चेंज करना होगा, इसको आपको लाइट पर लेके आना होगा इस तरीके से, यहां से इसको आपको हटा देना है। उसके बाद आपको गाइस इसको ओके करना है, और ओके करने के बाद गाइस आपको यहां पर मोर वाली चीज जगह पे जानी है, और हो सकता है इस कंडीशन में आपका साइड में हो सकता है ऊपर आ जाए, तो यहां पर आपको देख लेना है और इसको इस तरीके से यहां पर सेव कर लेना है। सेव करते ही गाइस हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कीजिए और आपका इजीली आप इंटरनेट के साथ साथ में कॉलिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, और आप अब यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम थी इंटरनेट के साथ साथ पे आप कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ में वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।